नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत, 791 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मौतों का होना व नए संक्रमित मामलों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शिमला जिले में कोरोना से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। वहीं प्रदेश में कोरोना के नए 791 पॉजिटिव मामले आए। संक्रमितों में बिलासपुर के 45, चंबा के 58, हमीरपुर के 94, कांगड़ा के 161, किन्नौर के 16, कुल्लू के 18, लाहौल स्पीति के 8, मंडी के 127, शिमला के 160, सिरमौर के 35, सोलन के 28 व ऊना के 41 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा एक दिन में 844 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,02,970 पहुंच गया। वर्तमान में 5,400 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं अभी तक 2,93,399 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। प्रदेश में अब तक कुल 48,23,434 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार अस्वस्थ हो गए हैं। ऐसे में उन्हें विवेकानंद मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखा है। यद्यपि उनके स्वास्थ्य में सुधार है, परंतु चिकित्सकों ने चिकित्सकीय तथा पैथोलॉजी जांच के लिए शांता कुमार को अस्पताल में भर्ती किया। शांता कुमार को खांसी जुकाम की शिकायत होने के कारण सांस लेने में हल्की परेशानी बताई जा रही है। मंडी के भरौण में रेत से भरा टिप्पर खाई में गिरा चालक की मौत। मंडी शहर के साथ स्थित भरौण में दुदर मझवार सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा बुधवार रात को 10 बजे के आसपास हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये व्यक्ति को बचाएगी रिमोट कंट्रोल से संचालित बोट, गोविंद सागर झील में किया ट्राई। नदियों में डूबने से आए दिन हो रही मौतों को रोकने के मकसद से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अब रिमोट कंट्रोल से संचालित लाइफ सेविंग बोट का इस्तेमाल करेगा। सफल परीक्षण करने के बाद एक लाइफ सेविंग बोट को पर्वतारोहण और खेल संस्थान मनाली के अधीन वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बिलासपुर को सौंप दिया है। ये लाइफ बोट गहरे पानी में डूब रहे एक इंसान को बचाने में सक्षम है। बोट को झील या नदी के किनारे खड़े होकर रिमोट से संचालित किया जाता है। हिमाचली राजमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। हिमाचली राजमा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर बड़े स्तर पर काम कर रहा है। विश्वविद्यालय ने फैसला किया है कि वो आने वाले दिनों में हिमाचली राजमा के लिए भौगोलिक सूचकांक प्राप्त करेगा। इससे किसानों को भी अच्छी कीमत मिलेगी। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा भी शिमला पहुंच गई। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने कहा कि देश की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 5 से 7 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 8 और 9 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। उधर बुधवार रात को शिमला, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले में बादल झमाझम बरसे। गुरुवार को शिमला, ऊना, मनाली और नारकंडा में बारिश दर्ज की गई। हिमाचल विश्वविद्यालय ने जारी किया बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड में सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। 3 चरण और 1 मॉप अप राउंड के तहत काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू होगी। ये 22 सितंबर तक पूरी होगी। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षा एवं शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय अत्री ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है। ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बस किराए में 50% छूट देने और अवैध भवनों के नियमितीकरण मामले की सुनवाई टली।
महिलाओं के लिए बस किराए में 50% छूट देने के मामले की सुनवाई 8 अगस्त को निर्धारित की गई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया के खंडपीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया गया। परिवहन सचिव और निदेशक ने इस मामले में शपथ पत्र दायर किया है। अदालत को अवगत कराया गया कि महिलाओं को बस किराए में छूट देने का निर्णय कैबिनेट का है। भूस्खलन की जद में आई बारातियों की 3 कारें, पुल भी क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्यूर होली मार्ग पर पहाड़ी से हुए भूस्खलन की जद में आने से लकड़ी का पुल व बारात में शामिल 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत यह रही कि हादसे के समय कारों में कोई सवार नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। भूस्खलन गुरुवार शाम 4 बजे के करीब का बताया जा रहा है। भरमौर प्रशासन को सूचना मिलने के बाद विभागीय लेबर मौके पर भेजी गई। हिमाचल के बागवानों की शिमला में आक्रोश रैली, सचिवालय घेराव भी होगा। संयुक्त किसान मंच के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के 27 किसान बागवान संगठन शुक्रवार को राजधानी में नवबहार चौक से छोटा शिमला तक आक्रोश रैली निकालेंगे। इस दौरान सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा। किसान बागवान फलों की पैकेजिंग पर GST खत्म करने, कश्मीर की तर्ज पर MIS के तहत सेब खरीद करने और सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग कर रहे हैं। निदेशक मंडल की बैठक में होगा हिमाचल पर्यटन निगम कर्मियों को संशोधित वेतनमान देने का फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को अतिथि गृह पीटर हॉफ शिमला में प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 50वें स्थापना समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार निगम के कर्मचारियों के लिए 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। निदेशक मंडल की बैठक में इस मुद्दे को लाया जाएगा। SOS से 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 16 अगस्त तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा 17 सितंबर 2022 की अनुपूरक परीक्षा के लिए राज्य मुक्त विद्यालय से 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में फ्रेश एडमिशन के तहत परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का मौका दिया। ये सुविधा केवल 17 सितंबर 2022 की अनुपूरक परीक्षा के लिए ही मान्य होगी। सीएम जयराम बोले, डॉक्टर परमार ने रखी प्रदेश के विकास की मजबूत नींव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर YS परमार की दूरगामी सोच में हिमाचल प्रदेश की खुद की पहचान निहित थी। डॉक्टर परमार की प्रतिबद्धता और समर्पण से ही अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। डॉक्टर परमार हिमाचली संस्कृति और परंपराओं के प्रति विशेष स्नेह और सम्मान का भाव रखते थे। मुख्यमंत्री ने वीरवार को पीटर हॉफ शिमला में हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 116वीं जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।